मरियम मुस्तफा और आप देख रहे हैं तंजिया निगार तुम न्यूज पर। नाजरीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो इंडिया से है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। नाजरीन, कश्मीर जो एक बड़ा मसला बना हुआ है और वहां की आवाम भी आजादी चाहती है, तो इसी हवाले से बात करने के लिए आज नरेंद्र मोदी साहिब खुद पाकिस्तान आए हैं और इसी पर हमारी उनसे बातचीत होगी, तो इसी पर उनसे हम बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अरे बटवा, प्रणाम करते हैं। क्या हालवा है तुम्हारा? ठीक हो? क्या करते हैं? क्या हालवा है तुम्हारा? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? प्रणाम, सत श्री अकाल जी। तो सर, हमारा जो आपसे सवाल ये है कि आपने कश्मीर बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ है दुनिया में, आप लोग क्यों नहीं जान छोड़ देते उनकी? अरे बटवा, देखो कश्मीर तो हमरा है, ये तो सबको पता है यार, तू हम पे मरती आपका है। क्या आपके दादा ने आपको गिफ्ट में दिया हुआ था, वो आपका है? अरे भारत जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है? आपके मुंह के जितना तो बड़ा होगा। अरे मुझे जुक्तबाजी मत करो बटवा, समझ आई? नहीं, इसका मतलब कश्मीर का भारत से क्या लिंक है? भारत बड़ा है तो वो कश्मीर भारत की तरफ ही जाएगा। आप ये नहीं देख रहे कि आप किस कदर जुल्म कर रहे हैं कश्मीर पर, उनकी कश्मीरी आवाम पर, उनके ऊपर आपने कर्फ्यू वो सालों से लगाया, उन्हें घरों से बाहर नहीं जाने दे रहे, ये किस किस्म की आपकी हुकूमत है? और बड़े आप फिर एटीट्यूड से कहते हो कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है आपने। अरे पहले पाकिस्तान को तो देख लो, यहाँ पर जो महंगाई है वो तो कंट्रोल वा नहीं हो रही तुम लोगों से। आवाम तो खुश है ना यहाँ। अरे बात तो सुन लो, मोदी मैं हूँ, तुम सवाल करके खुद ही जवाब दे जाती हो। जी जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं। देखो यहाँ पर तुम महंगाई तो कंट्रोल करो, यहाँ पर मैं जब रोड पे आया हूँ तो तुम्हारा हर बंदा एक ही बात वह कहता है कि पेट्रोल नहीं है। अरे भारत में आओ, तुम्हें क्राइम पेट्रोल दिखाएं, तुम्हें कपिल शर्मा शो दिखाएं, कितना मजा आता ये है। भारत सिर्फ यही दिखा सकते हैं, कपिल शर्मा और ये क्राइम पेट्रोल, उसके अलावा नहीं ये लोग कुछ कर सकते। इनसे बातचीत करें तो आगे से हमारे रिस्पॉन्स में ये लोग फिल्में चला देते हैं, अपनी मूवीज बना देते हैं, इसके अलावा भी कुछ बताए ना, इसके अलावा भी। इसलिए थोड़ी आया था भारत से, तुमने मुझसे पूछा नहीं आप किस सिलसिले में आए हैं भारत से पाकिस्तान। जी, आप किस सिलसिले में आए हैं भारत से पाकिस्तान? अरे मेरी ऑनलाइन बात हुई थी एक वचोलन से, वो कह रही थी मेरे पास बड़े अच्छी अच्छी एंकरों के रिश्ते हैं, तो मैंने ओके किया। उसने इसलिए तुम्हारे पास मुझे तुम न्यूज़वा में भेजा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं, तुम उल्टा मुझे यहाँ बिठा के कैमरे लगा के। भारत में सब कम पड़ गई थी जो आप भारत से पाकिस्तान आए हैं। अरे मुझे तुम्हारे घर वालों से भी बात हो गई है, वो राजी हैं मुझसे, शादी करोगी कि नहीं करोगी? आप पागल है? मैं क्यों पागल हूँ, शादी करना गुनाह है, सात फेरे लेंगे, मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में डालूंगा। कश्मीर एक बड़ा इशू है दुनिया में, मैं उसके हवाले से उस टॉपिक पर आपसे बात कर रही हूँ और आप किधर आ गए हैं ये शादी की बातों पर? क्या आप लोग यही सारा कुछ करते हैं उधर अपने मुल्क में बैठकर, और इधर भी आकर वही जो बातें आपके माइंड में या वहां चलती रहती है वही आप इधर भी यूज कर रहे हो? अरे कश्मीर किसने कहा तुम्हारा है? कश्मीर हमारा है, हमारा सबको पता है। हाँ तो वही कह रहे हैं ना, आपके दादाजी आपको वो गिफ्ट में दे गए थे कश्मीर जो आपका है। बोलने से नहीं बनता कश्मीर आपका, आप ये भी तो देखे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम बोलने का मौका दोगी तो मैं कुछ करूंगा ना यार, ये कौन सी लड़की है बता दिया मेरे साथ। वो वहां की आवाम रो रही है, ये हमारा नहीं कहना, उनकी आवाम की भी तो कुछ सुन लेना, मुल्क चलता ही तब। अरे मेरी तो सुन लो, अरे मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये कोई बात है करने वाली? तर 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 लगी हुई हो? अरे मोदी मैं हूँ क्या तुम हो? तुमने तो मुझे अपने घर का कोई बंदा समझ लिया, जिस तरह मुझे खर्चा मांगती हो घर में। जी जी, आपका काम है बोलना, और कभी कोई दुरुस्त टॉपिक पर आप बोलेंगे नहीं, उम्मीद तो मुझे यही थी, बट चलें आपको भी सुन लेते हैं, बताइए। अभिनंदन जब आया हमारा इधर, उससे मेरी मुलाकात हुआ, उसने मुझे कहा कि आप वहाँ की चाय बहुत अच्छी है पाकिस्तानों की, तो मैं यहाँ चाय पीने आया था। अरे मुझे क्या पता था यहाँ पर तुम जैसी एंकरे मेरा इम्तिहान लेने लग जाओगे, शर्म आपको आनी चाहिए, हम पे बात कर रहे हो। इतने बड़े भारत में चाय नहीं मिलती थी, आप स्पेशल चाय पीने यहाँ पे आए हैं। अरे चाय यहाँ की बहुत अच्छी है, अभिनंदन ने भी कहा था टी वॉज फंटास्टिक, तो उसी वजह से मैं इधर आया हूँ। तुम पिलाओगी चाय के नहीं? नहीं, मैं आपको यहाँ चाय पिलाने के लिए। मेहमान नवाजगी है, मैंने आपको यहाँ चाय पिलाने के लिए नहीं बुलाया, मैंने यहाँ खाने के बाद चाय होगी। कौन सा खाना आपको लगता है मैं आपको खाना दूंगी? अरे मैं नवाज शरीफ के घर आया था, बड़े अच्छे खाने थे, गाजर का हलवा भी था, हाय पाए थे, बोंग थी, लस्सी थी, खदे थी, बड़ा मजा आया था। अरे वो लंदन जब से गया है बिरजुआ, उसके बाद से यहाँ के हालात ही बिगड़ गए हैं, गाली नहीं निकाली बिरजुआ बोला है। ओके, तो बात ये करने की है कि हमारी हुकूमत हमारी ही है, आपका भारत का प्रधानमंत्री
हम आपके तो मुझे लगता है आपके मुल्क में नहीं कोई सुनता होगा तो आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि हुकूमत हमारी है। अरे मुल्क वाले तो इज्जत ही बड़ी करते हैं, मैंने जब से चैनल बनाया है वहाँ पे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे कि तुम्हारी सोचवा है, रोज का एक वीडियो डालता हूँ तो लाखों कमा रहा हूं। भारत के पीएम होकर सोच आपकी इतनी है कि मैंने वहाँ चैनल बनाया तो छोटी बात है। अरे ये छोटी बात वह है चैनल बनाना, तुम चला सकती हो। आपके लिए वाकई ये बहुत बड़ी बात हो सकी, बात ये करने वाली तुम्हारे इमरान खान से यहाँ कितने लोग खुश है। सोच आपकी इतनी सी है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए और बात आप कश्मीर की कर रहे हो। कश्मीर अजीब आ गई हो क्या? और कश्मीर हमरा है हमरा, तुम्हें किसने कहा कि कश्मीर तुमरा है? कश्मीर हमरा है, हमने कोई जुल्म नहीं किया कश्मीर पे, ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं कि हम लोग जुल्म करता है कश्मीर पे। कश्मीर में तो हमने सिनेमा बनाया है, वहां पे शाहरुख और सलमान खान और दीपिका पादुकोण के ठुमके लगते हैं यूं यूं करके, वो सारे कश्मीरी देखने जाते हैं, वो तो नहीं बताते। नरेंद्र साहब आर यू इन योर सेंसेस? यस आई एम इन स्टूडियो। एनीवेज मुझे ये बताएं कि मैं जो आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पर तुम जैसी लड़कियां बैठ के एनीवेज एनीवेज आई नो हैं और घर जाकर शोरबे पी रही होती हैं। ये मैं मुझे एक बात बताएं, ये आप अपने वहाँ जब स्पीच करते हैं अपनी कंट्री में अपने लोगों के सामने, ये क्या आप अपनी आवाम को ये जुगते मारते हैं, इसी से कुछ करते हैं? अरे मैंने जुगत नहीं मारी, जुगत होता क्या है मुझे क्या पता जुगत क्या है, लेकिन बात इतनी सी है बिरजुआ कि हमने हमने भारत को राष्ट्रपति को इस लेवल पर ले गए हूँ कि तुम देख लो कि भारत तरक्की कर रहा है, दिल्ली देख लो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है तुमसे, तुम लोगों ने क्या किया है पुल बना लिए, बच्चों को लैपटॉप दे दिए, लैपटॉप दे दिया, हम तो आए दिन लैपटॉप देते हैं, तो ये कोई मुकाबला हुआ? फिल्मों को देख लो, हमारा शाहरुख खान सलमान खान तुम्हारा शान, अरे कोई लेवल है हमारे साथ मुकाबला करने चले हो? ये जो फेसबुक का सीईओ है मार्क, उसने आपसे हाथ तक तो मिलाया नहीं था, और बातें आप ऐसे कर रहे हो हमारे सलमान और ये, आपकी क्या ये सोच सिर्फ ये सलमान और शाहरुख तक ही रह जाती है, आपकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री तक आके बस खत्म हो जाती है? तुम किसकी बात करती हो, मार्क जिंगर बर्गर की? अरे उसके साथ तो हाथ क्या मतलब वो होता कौन है हमारे साथ हाथ मिलवाने वाला? उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा होगा। अरे कोरोना फैला हुआ है, हम हाथ उतना नहीं मिलाते। नहीं आपने मिलाने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने नहीं मिलाया था, ये बात। उसको गिला है हमरे से, उसका गिला बनता है हमरे से, उसकी वजह है बिटवा, उसकी वजह ये है कि देखो कि हमने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट हमको आई थी, हमने वो सेप्टवा नहीं की थी, तभी वो इस चीज का गुस्सा निकाल रहा है। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप बच्चों जैसी। एनीवेज ये बताएं इमरान खान साहब से आपको क्या गिला है? अरे उसके गीले का तो पता नहीं, लेकिन जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से जमीन थोड़ी गीली है, यहाँ गीला है, ये देखो ना ये सारा गीला है, ये कपड़ा भी गीला हो रहा है। आई थिंक आप खुद गीले हैं इसलिए आपको सब कुछ गीला लग रहा है, मैं जो आप खुद से पूछ रही हूँ ना आप उधर फोकस करें। देखो बात यह है कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान में भी आएगा, हम कश्मीर में भी जीतेगा, हमारा अगला हुकूमत भी रहेगा, ये मैं तुम लिख के ले लो, मुझसे चाहे 100-100 रुपए की बैट लगा लो। बिटवा तुम क्या हो, तुम्हें समझ आ रही है? आओ शादी करते हैं। नाज़रीन इनकी तो फजूल बातें खत्म नहीं होंगी, हम मिलते हैं आपसे अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, देखते रहिए तुम न्यूज़, अल्लाह हाफिज़।